वाईफाई अड्डा में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा में स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर का ये पहला क्वेश्चन। किस देश में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर को परीक्षण किया है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, चीन। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका जो ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी पांडुचेरी, सी कोलकाता, डी जम्मू। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, नई दिल्ली। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर बात आया था IDRC का, तो यह इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन डिपूट रिजुलेशन सेंटर होता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है भारतीय विवाद समाधान केंद्र होता है। इसका जो अध्यक्ष हैं मेहर एस राठी जी हैं, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने नए भुगतान समाधान योजना के लिए वीजा के साथ समझौता किया है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है आप देख सकते हैं ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी जेंगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, जेंगल। इसके बारे में कुछ हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। फिनटेक स्टार्टअप जंगल ने छोटे और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप के लिए नए भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीक में प्रमुख वीजा के साथ साझेदारी की है। अब बात आया यहाँ जंगल का, तो इसका जो स्थापना हुआ था 2011 में, इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सांस लेने में सक्षम PPE किट नवरक्षक तैयार की है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं ए वायुसेना, बी भारतीय सेना, सी थल सेना या डी तटरक्षक बल। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना के बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। यह PPE किट COVID-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले PPE की तुलना में आराम प्रदान करेगी। बात आया था भारतीय सेना के, तो इसके बारे में भी देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। इसका जो अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन रहा, ऑप्शन ए में है ICC, बी में है IOC, सी में है BCCI, डी में है DRDO। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, IOC। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। IOC ये जो है विश्व में ओलंपिक खेल को IOC रेगुलेट करता है। जो इसका फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी होता है। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना 23 जून 1894। इसका जो मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका जो अध्यक्ष हैं थॉमस पाच हैं। बात आया था WHO को, तो इसके बारे में भी देखें तो WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी मीनिंग होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना जो हुआ था 7 अप्रैल 1948 में और मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोम एड्रोनोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पहली पहलवान आना किमुरा का निधन हुआ है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी जापान। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, जापान। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो जापान है एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी टोक्यो, करेंसी एन, प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक क्षेत्र में उच्च ऊर्जा वाले कणों का पता लगाया है? तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है ए इंडिया, बी वार इंडिया, सी बैटल इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य एवं वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, झारखंड। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो झारखंड की राजधानी है रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये रहा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, अमेरिकी खिलाड़ी जेमी हैम्पटन किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी हॉकी। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, जो आपके लिए कल का होमवर्क क्वेश्चन था उसका आप लोग आंसर देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, तो पानी रोको पौधा रोपो योजना की शुरुआत झारखंड राज्य में कब की जाएगी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर था ए इज द राइट आंसर, 1 जून से की जाएगी। टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जो आप लोग आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एंजली पॉलीमर संयंत्र को जब्त करने की आदेश दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वाईफाई अड्डा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।